प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है, ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो रीएग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है, कई हैं जो चाहते हैं कि रीएग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो।